अंत में अगर काम अच्छा करते हैं तो आप लोगों को फल भी अच्छा मिलता है, मेहनत अच्छी करते हैं उसका भी फल अच्छा मिलता है, बुरे काम करते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा, यानी कि कानपुर का जो मास्टरमाइंड यानी कि गैंगस्टर था वो जो है अंत में एनकाउंटर में मारा गया। आप लोगों को पता है कि विकास दुबे जो कानपुर का इतना बड़ा ये कांड कर चुका था और दहशत मचा के पूरे देश में, यूपी की बात नहीं करेंगे, पूरे देश में सरकारी यानी पुलिस की कितनी बेइज्जती हुई और किस तरीके से बेरहमी से सभी को मारा था, ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा, क्या इससे मतलब दुर्भाग्य वाली बात क्या हो सकती है। कोई किसी को पकड़ने जाता है, आप गलत काम करते हैं उसके बावजूद मतलब इतनी बड़ी किसी भी प्रकार का आपको डर नहीं है और किसी से मतलब कोई डरना ही नहीं कि इसका परिणाम आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से अवैध तरीके से जान सकते हैं कि AK-47 जो मतलब उनको नहीं रखनी चाहिए चीज़ें, वो चीज़ें उनके पास मिलती हैं और ताबड़तोड़ तरीके से वार करते हैं और पैर भी काटेंगे, इतने मतलब भयानक वो मतलब बन गए, इतना विकराल रूप लेते हैं दानव राक्षस, मतलब क्या मास्टरमाइंड विकास दुबे के सीने में जाकर गोली लगी। अब ये जो इनकी बॉडी है, इस बॉडी को उनकी पत्नी को सौंपा जाएगा, बताया जा रहा है कि उनके परिवार में ही ये सौंप दी जाएगी बॉडी, और फिलहाल भागने की कोशिश की इस तरीके से बताया जा रहा है कि भागने की कोशिश की, उनको समर्पण करने के लोग कहा गया था कि समर्पण हो जाइए, समर्पण नहीं हुई है तो भागने की कोशिश की, उसी दरमियान जो है इनकाउंटर में ये मारे गए। तो इस तरीके से जो कोई व्यक्ति इस इतना बड़ा ये कांड करता है तो पहली बात उसे सोचना चाहिए आगे पीछे के कांड में, हम इस तरीके से अगर करते हैं मेरा घर और मेरा परिवार आगे किस स्थिति से गुजरेगा, उसका परिणाम क्या होगा। अगर गलत करेंगे तो गलत का गलत ही फल मिलता है, आप लोगों को पता है। इतना बड़ा पहली बात कांड नहीं करना चाहिए था, गुंडे होते हैं इतने भयानक, देश बॉर्डर पर मिलिट्री लड़ रही है उससे ज़्यादा तो देश के अंदर, इतनी मतलब देश के अंदर देख सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार। दोस्तों ये छोटी सी अपडेट देनी थी आप लोगों को, और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी जो भी रिलेटेड ऐसे जानकारी निकलेगी आप लोगों को अपडेट करके ज़रूर बताएंगे।